सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाती है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुँच सकते। आज का पंचांग 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि सुबह 7:51 तक रहेगी। मघा नामक नक्षत्र दोपहर 12:24 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन के सबसे अशुभ समय शाम 4:23 से 5:46 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जहाँ पर जल्दी प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तुला राशि 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार, आज आप आसानी से साफ काम करके जीवन के स्कोप को बड़ा कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता बनाए रखें और अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा दें। ऐसा कुछ भी किसी को ना कह बैठे जो आपको भावनात्मक उलझन में फंसा दे। बिजनेस का विस्तार हो सकता है या पहले से खुले आउटलेस को नया रूप दे सकते हैं। कोई नुकसान या वियोग आपकी परेशानी की वजह है, जो आप महसूस कर रहे हैं उसे करने के लिए समय निकालें, आराम करें और चीजों के बारे में सोचें। एकांत के लिए यह अच्छा समय है जिसे आप उन परिजनों के साथ बिताएं जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, आप अपने पुराने पलों को जीने के मूड में हैं। पुराने दोस्तों से मिलना और उनके साथ अच्छा समय बिताना भी एक अच्छा विचार है। जीवन की चिंताएं आपको परेशान नहीं करेगी। आपका सामाजिक और निजी जीवन आज महत्वपूर्ण रहेगा। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा। पारिवारिक समस्याओं पर पूरा ध्यान देना होगा। आप अपने परिजनों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको कोई लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करना होगा। आपकी कोई डील फाइनल होते होते अटक सकती है। किसी प्रॉपर्टी में आज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन सूर्य देव की कृपा से लाभदायक रहेगा। आपको आज अपनी मेहनत से बढ़कर भाग्य लाभ दिलाएगा। आपको आज अपनी रचनात्मक क्षमता और अनुभव का लाभ मिलेगा, लेकिन आपका मन आज कुछ विचारों में खोया रहेगा। किसी बात को लेकर आप मानसिक रूप से उलझन में भी रहेंगे। कारोबार में आपको खूब लाभ मिलेगा और प्रतिद्वंदियों से आप बेहतर कमाई कर पाएंगे। आपको आज गिफ्ट भी मिलेगा, लेकिन सलाह है कि वाणी पर आप काबू रखें। अनुकूल ग्रह स्थिति बन रही है। आप अपने आसमां की परिस्थितियों में आप अपने आसपास की परिस्थितियों में कुछ बदलाव महसूस करेंगे जो कि बहुत ही उत्तम रहेगा और आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। व्यक्तिगत व्यवस्था के साथ साथ पारिवारिक जीवन के लिए समय निकाल लेंगे। आपके निर्णय की वजह से दूसरों के विरोध का सामना करना होगा। परिवार के लोगों के बीच गलतफहमी और विवाद हो सकता है। पैसों से संबंधित व्यवहार में पारदर्शिता ना होने से नुकसान होगा। जिन लोगों के साथ आप बातचीत ठीक से नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करने से परहेज रखना होगा। अपने काम में सुधार करना होगा। पार्टनर के साथ आपके स्वभाव और विचार मिलते जुलते नजर आएंगे, इस कारण पुराने विवाद को दूर कर पाएंगे। कंधे में जकड़न और रीढ़ की हड्डी से संबंधित तकलीफ होने की संभावना है। सावधानियां,
ईगो और अति आत्मविश्वास जैसी आदतों से दूर रहें। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको थका देगी। चचेरे भाई बहनों से अपने संबंधों को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें। इस समय व्यक्तिगत जीवन से जुड़े किसी भी कार्य में रिस्क लेना नुकसान दे सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य संबंधों में किसी पारिवारिक समस्या को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। प्रेमी प्रेमिका को मुलाकात के अवसर मिलते रहेंगे। आज आप विशेष रूप से आशावादी और कूटनीति महसूस कर सकती हैं, इसलिए आप अपने परिवार या अपने रिश्ते की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सक्षम होंगे। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच सकता है और लंबित पड़ी हुई शिकायत के साथ आ सकता है, लेकिन आप सहानुभूति तरीके से आसानी से इस समस्या को सुलझा लेंगे, जिससे कि आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। प्यार में धोखा आपको तन्हाई या अकेलेपन की खाई की तरफ धकेल सकता है, लेकिन याद रखिए कि जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। रोमांस के सपनों को पूरा करने के लिए भी यह चरण अच्छा है। बस अपने साथी को अपने प्यार का एहसास कराना ना भूलें। अच्छा, आपके लिए आपका सामाजिक और निजी जीवन पहले नंबर पर है। आप अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आप पुराने दोस्तों के साथ सुलह करें और उनके साथ समय बिताएं। आपकी एक तीव्र इच्छा अपने साथी से अपने प्यार का इजहार करना है और इसके लिए आप कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। बात करते हैं करियर की। किसी विदेशी के साथ दीर्घकालीन निवेश या खरीद बिक्री से आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी आपको ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे आपके काम या उत्पाद को दुनिया भर में पहचान मिले। आज के दिन आपके लिए उदासी हो सकता है। अपने पुराने दोस्तों से मिलना आज का एक अच्छा विचार है। आपके लिए अपने निजी और सामाजिक जीवन दोनों महत्वपूर्ण है। याद रखें, किसी खास व्यक्ति का आपके जीवन में कोई और विकल्प नहीं हो सकता, इसलिए आपके चाहने वालों का खास ध्यान रखें। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपका व्यावसायिक विवेक आदर्श स्तर पर रहेगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञानयुक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करेगी। व्यवसाय में कई तरह के कार्यों में भाग दौड़ रहेगी तथा समय अनुसार काम भी पूरे हो जाएंगे। अगर किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज उससे संबंधित भी कोई कार्य हल हो जाएगा। ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार की वजह से परेशान रहेंगे। बात करते हैं सेहत की। संतुलित खानपान और दिनचर्या की वजह से गैस और एसिडिटी की समस्या दूर होगी। वहाँ सावधानी पूर्वक चलाएं तथा कोई भी रिस्क आज ना लें। आपको आज अपनी शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपकी गर्दन और कमर में हल्का दर्द महसूस हो सकता है। जिनको पहले कभी कोई चोट लगी होगी या गठिया बाय से परेशान व्यक्तियों को ज्यादा तकलीफ महसूस हो सकती है, इसलिए आज कोई अधिक शारीरिक मेहनत वाला काम ना करें। अच्छा, आपको आराम करना चाहिए। आप हल्का फुल्का योग कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर की देखरेख में ही कराना चाहिए। आज का उपाय, आज आप गरीबों को गुड़ दूध चावल और कपड़े का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।